मिडिल ईस्ट में इसराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान से बढ़ते खतरे को देखते हुए इसराइल इस वक्त सऊदी अरब के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इस दोस्ती के लिए अमेरिका पूरी फील्डिंग कर रहा है। इसके बावजूद इसराइल को सऊदी अरब के साथ एक खतरा भी नजर आ रहा है। यह खतरा ऐसा है जो कि फिलहाल कहीं मौजूद नहीं, लेकिन भविष्य में इसराइल के वजूद को मिटा सकता है। दरअसल अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो सऊदी अरब को चीन से दूर करके किसी तरह अपने पाले में ले आए। इसके लिए वो इसराइल के साथ सऊदी अरब के रिश्तों को भी मजबूत करने में जुटा है। लेकिन सऊदी अरब दोस्ती के बदले तीन शर्तों के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। सऊदी अरब की पहली शर्त यह है कि उसे अमेरिका की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि थर्ड मिसाइल सिस्टम तक की पहुंच हासिल हो। दूसरी शर्त है कि अमेरिका के साथ एक रक्षा गठबंधन की स्थापना हो ताकि उसे भविष्य में किसी देश से हमले की सूरत में अमेरिका की भरपूर सैन्य मदद मिले। और तीसरी जो कि सबसे बड़ी है वो यह है कि असैन्य मकसद से एक परमाणु प्लांट की मंजूरी मिले। बड़ा सवाल यह है कि परमाणु प्लांट का आखिर सऊदी अरब करेगा क्या, क्योंकि परमाणु प्लांट में यूरेनियम को संवर्धित करके परमाणु बम भी बनाया जाता है। ऐसे में सऊदी अरब की मांग को लेकर इसराइल के माथे पर बल पड़ गए। दरअसल अगर सऊदी अरब एक परमाणु रिएक्टर बनाता भी है तो वह सिर्फ इसे लाल सागर के करीब ही निर्मित करेगा, क्योंकि परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। लेकिन अगर रिएक्टर पर कोई आपदा या टेररिस्ट अटैक हो जाए तो फिर इसका असर इसराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर होगा। ऐसे में इसराइल ने अपना इनकार जता दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी शर्त रखी है, जिससे इसराइल पहले ही इनकार कर चुका है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इससे इतर सऊदी अरब से दोस्ती के बदले 27 अरब डॉलर के निवेश का पैकेज लेकर वेलकम नोट के साथ तैयार है। तो देखने वाली बात है कि सऊदी अरब और इसराइल की दोस्ती आखिर कितनी परवान चढ़ती है, खासतौर से तब जबकि सऊदी अरब के जहन में परमाणु प्लांट घूम रहा हो।